एक भी गारंटी, एक भी वादा आज तक भाजपा ने पूरा नहीं किया है। अगर आप देखें, एक एक करके अगर चलें तो 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने कहा कि हर एक के खाते में 15 लाख आएंगे, कभी आए नहीं, बाद में कह दिया ये चुनावी जुमला था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम पेट्रोल 40 रुपये और डीजल 30 रुपये में बेचेंगे। यहाँ 100 का आंकड़ा पार कर गया, जो कभी हुआ नहीं था, जबकि विश्व बाजार में तेल की कीमतों में भारी कमी आई थी, भारत को सस्ता तेल मिल रहा था, इसके बावजूद भी इन्होंने देश की जनता को उसका लाभ नहीं दिया। इन्होंने जो है गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ा दिए। इन्होंने कहा कि 2021 तक हर एक को पक्की छत मिल जाएगी। आप देख रहे होंगे कि करोड़ों लोगों को कोई छत नहीं मिली, अभी वैसे ही लोग जो है परेशानी में जूझ रहे हैं। खाद के दाम इन्होंने बढ़ा दिए, महंगाई अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई, हर चीज़ के दाम इन्होंने बढ़ाए हुए हैं और कहीं से भी ये कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। तो इन ये जो वादा करते हैं वो वादा पूरी तरह विफल होता है। वो आके बोलते हैं और हर जगह प्रधानमंत्री का चेहरा आगे कर देते हैं। क्या मोदी जी आके यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या मुख्यमंत्री कैंडिडेट तो है नहीं, तो उनसे वादे क्यों कराते हो? क्योंकि राजस्थान में इनके पास इन्होंने कोई नेता तय नहीं किया। ये तमाम यहाँ उनके मुख्यमंत्री को उम्मीदवार घूम रहे हैं, तो इसलिए जो है वो मोदी जी आ जाते हैं और इसके बाद चुनाव खत्म होने के बाद वो चले जाते हैं। उनका पता भी नहीं चलता कि कहाँ है कहाँ नहीं, और लोग जो है बाद में परेशान रहते हैं। किसी भी राज्य में उन्होंने जो जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, इसलिए हिमाचल भी हारे, इसलिए कर्नाटक हारे, पिछली पिछली बार वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों राज्य हारे थे। तो उनका है कि वादा करना लेकिन पूरा नहीं करना। कांग्रेस का है कि वादा किया, हम वादा जरूर पूरा करेंगे। आपने देखा होगा कि हमारी जो चिरंजीवी योजना है जिसमें हम लोगों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए हमने दिए और बहुत लोग उसके लाभार्थी हैं और लोगों को उसका बहुत फायदा हुआ। अब उस रकम को हम 50 लाख करने जा रहे हैं कि 50 लाख तक का इलाज हम, उसका स्वास्थ्य बीमा हम लोगों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा हम जो है जो व्यापारी हैं, व्यापारी सबसे ज़्यादा GST वालों ने उनको तंग किया, बहुत तंग किया और बहुत परेशान है, तो हम GST का सरलीकरण भी करेंगे अगर हमारी सरकार केंद्र में और यहाँ पर आई। और उसके अलावा हम व्यापारियों को, किसानों को जैसे देते हैं 5 लाख का ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए, वैसे व्यापारियों को भी 5 लाख का हम ऋण देंगे। छात्रों को 5 लाख का बिना किसी उसके हम ब्याज के ऋण देंगे। और यही नहीं, हम इसको जो कॉलेज में जैसे जाएंगे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में, उनको लैपटॉप भी हम प्रदान करेंगे। परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी योजना है कि 10,000 रुपये परिवार की जो महिला मुखिया है उसको दिए जाएंगे। गैस का सिलेंडर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी की रेखा के नीचे, उनको 400 रुपये में मिलेगा, जबकि इनकी जो घोषणा है 450 की सिर्फ उज्ज्वला वालों के लिए है, जो कि बहुत कम है। हम जो है सारे गरीबी की रेखा से नीचे वालों को 400 रुपये में देंगे। ये जो है उज्ज्वला वालों को छोड़ के बाकी सबको 1100 रुपये में देने वाले हैं, तो उसमें भी कोई ये इनका ये नहीं है। OPS का जहाँ तक सवाल है, ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना, वो ऑलरेडी हमने लागू कर दी है हमारे सारे राज्यों में जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ पे जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई, हिमाचल में भी लागू हो गई है और बाकी जगह भी लागू हो गई। तो वो जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम यहाँ पर पुरानी पेंशन स्कीम भी जो है पूरी तरह से उसको लागू करते रहेंगे। और इसके अलावा 2 रुपये किलो गोबर खरीदी, इसको भी मैं स्पष्ट कर दूं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है। हर जगह छोटा पशुओं की भारी समस्या है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब जगह जो दूध नहीं दे रहे हैं जानवर, उनको लोग छोड़ दे रहे हैं और वो सड़कों पे घूम रहे हैं, तमाम दुर्घटनाएं उसकी वजह से हो रही हैं और लोगों का की खेत चर जा रहे हैं, उससे लोग बहुत परेशान होते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार ने योजना लागू की थी कि जिसमें उसका गोबर खरीदने का और 2 रुपये किलो गोबर खरीद के लोग गाँव में लाखों रुपए का गोबर बेच रहे हैं और उससे उनकी बहुत कमाई हो रही है। वो घर में आराम से अपना बैठे सो रहे हैं, लेकिन जानवर कमाऊ पूत है,
वो कमा के दे रहा है। और उस गोबर को जो छत्तीसगढ़ की योजना बघेल सरकार की, उसमें 2 रुपए के गोबर को हम जो है वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसकी खाद बनाते हैं और 10 रुपए किलो में बेचते हैं। तो राज्य सरकार को भी कोई घाटा नहीं होता, बल्कि उससे बहुत बड़ी आमदनी होती है। वहाँ तो जानवर की पेशाब भी खरीदने लगे हैं 4 रुपए लीटर में, और उसमें जो है जड़ी बूटियाँ मिला के वो पेस्टिसाइड बनाते हैं जो 70 रुपए लीटर बेच रहे हैं। माने कि हर उस पर जो है 2 रुपए का वो मिला के 64 रुपए प्रति लीटर का फायदा राज्य सरकार को हो रहा है। और अब गोबर का पेंट भी बना रहे हैं बॉम्बे IIT के उसके जरिए। तो गाँव की अर्थव्यवस्था को बहुत सुदृढ़ छत्तीसगढ़ में उन्होंने किया। वही योजना हम गोबर की यहाँ शुरू कर रहे हैं, इसके बाद बाकी वहाँ पे फिर जानवर की पेशाब भी। उससे क्या होगा कि लोग जो है अपने जानवरों को घर पे रखेंगे, चारा खिलाएंगे, उनका पालन करेंगे, वो सड़क पे नहीं होंगे, दूध जो दे रहे हैं वो अलग से, दूध अलग से बेच सकते हैं वो। तो इसलिए जो है ये योजना गाँव की जो है उस चीज़ को बहुत मजबूत करेगी। किसानों के कर्ज भी हम माफ़ करेंगे, हमने पहले भी किए हैं। आपको याद है जब हमारी सरकार बनी थी उनको पहला निर्देश था कि जाते पहली फाइल हर मुख्यमंत्री साइन करेंगे जिसमें वो जो है किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे। तो तीनों मुख्यमंत्रियों ने पहली फाइल यही साइन की थी, अगर आपको याद हो 5 साल पहले। तो मैं ये इस बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और वो जो कहते हैं वो करते नहीं, ये दोनों के बीच का फर्क है। तो ये हमारी योजनाएं हैं, इन गारंटियों के साथ इस चुनाव में हम जा रहे हैं। बहुत अच्छी रिपोर्ट छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आ रही है कि हम वहाँ भारी बहुमत से जीत रहे हैं। उसी तरह राजस्थान में आप लोगों के जरिए मैं यहाँ के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि 25 तारीख को जो चुनाव है उसमें कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएं, और ये सारी गारंटियाँ जो है लागू की जाएंगी जो आपके सामने हैं। और प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन हम देते देते नहीं थकेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है जो यहाँ की जनता के लिए बहुत कारगर है। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये भी आपने कहा कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, ये अब तक के आपके जितने भी वक्ता हैं पहले आप ही हो जिन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी को लेकर बात करी है, ये आपके मैनिफेस्टो में भी नहीं है। वहाँ पे है, अगर आप देखें तो मैनिफेस्टो में भी है। हाँ, कर्ज माफी का है आया हुआ उसमें। वो कर्ज माफी किस स्तर के होंगे, राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहकारी बैंकों के? सहकारी बैंकों का है, सहकारी बैंकों का ये ना पढ़ो आप। न्यूनतम एक तो MSP का भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी स्थापित करने के लिए एक विशिष्ट कानून लाया जाएगा, और सरकारी सहकारी बैंकिंग से ब्याज मुक्त ऋण सहकारी बैंक से सभी किसानों को 2 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त कृषि ऋण की सुविधा प्रदान करेंगे, और 12 मिशनों का विस्तार। कृषि बजट के अंतर्गत हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए 12 मिशनों का विस्तार करने 2 गुना करेंगे। कृषि प्रोन्नति राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के क्रमबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत योजना पेश करेंगे, और रोजगार सृजन में जो ये चीज़ में रह गई कि 10 लाख रोजगार देंगे जिसमें 4 लाख सरकारी नौकरियां होंगी और बाकी जो है दूसरे तरह से रोजगार उनको प्रदान कराया जाएगा, और महिला शक्ति के भी तमाम इसमें CCTV वगैरह सारे ये हैं, और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए भी है। शिक्षा ग्रामीण ये मिला है आपको, इसकी कॉपी एक दिलवा देंगे। जिस तरह का परिदृश्य पूरे राजस्थान ने देखा और पूरे देश ने देखा, अभी भी बात करें तो क्या कांग्रेस ये तय कर पाई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा अगर सरकार आपकी? देखिए, हमारे यहाँ जो एक आपको लगता था जो 5 साल का जिक्र कर रहे हैं, आज दो भाइयों की तरह दोनों लोग कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अशोक गहलोत सचिन पायलट, पूरी एकजुटता के साथ, पूरी एकता के साथ सब जगह जा जा कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और कहीं किसी किस्म का विवाद दोनों लोगों के बीच में नहीं है। विवाद उनके यहाँ है, उनको पूछिए कि वसुंधरा जी का क्या करेंगे, राजेंद्र राठौर जी का क्या करेंगे, ओम बिड़ला जी का क्या करेंगे, और दिया कुमारी का क्या करेंगे, या वो जो है अपने
राज्यवर्धन राठौर का क्या करेंगे, ना इतनी लंबी लिस्ट है कि आप बताते बताते थक जाएंगे। तो उनके यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं। हमारे में दोनों के, वही मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ दोनों के बीच में भाई की तरह प्यार है, सब आपस में तय हो जाएगा, आप चिंता मत करिए।